नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के दही बल्ले, एकदम सॉफ्ट स्पंजी दही बल्ला बना करके तैयार करेंगे। बिल्कुल ही कम मसालों से बहुत ही टेस्टी दही बल्ले बन करके तैयार होने वाले हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मूंग दाल ली है, 250 ग्राम मूंग दाल ली है। इसको हमने भिगो करके 4 से 5 घंटे के लिए लिया है पानी निकाल करके। अब इसे मिक्सी जार में डाल करके इसे पीस लेंगे। ये पीस लिया है, इसे हम बोल में निकाल लेंगे। ये बची हुई दाल को भी हम पीस लेंगे। इसके अंदर हम ये 2 हरी मिर्ची तोड़ करके डाल देंगे, 1 अदरक का टुकड़ा काट करके डाल देंगे। पीस लिया है इसे भी हमने। अब हम इसे फेंट लेंगे। इसे हम लगातार फेंटेंगे इस तरह से, हाथ से अच्छे से फेंटी जाएगी इस तरह से, एकदम से स्मूथ। एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और फेंट लेंगे। अब हम इसके अंदर ये 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है, इससे दही बल्ले अच्छे से फूल जाते हैं। इसे हम रख देंगे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। ये हरा धनिया लिया है, टमाटर लिया है, लहसुन और हरी मिर्ची, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची। ढक्कन लगा करके इसे मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए चटनी बन गई है। इसे हम बाउल में निकाल देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रखी है, इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर बड़े तल लेंगे। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बड़े बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे डालेंगे और ये अच्छे से फूल करके बड़े हो जाएंगे। पलट लिया है, अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए फ्राई हो गई हैं और फूल भी गए हैं अच्छे से। इन्हें हम निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया है, बाकी के बड़े भी हम तल लेंगे। सारे बड़े हम इसी प्रकार से तलेंगे। हम पलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। सारे बड़े फ्राई हो गए हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये हमने पानी लिया है, पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दिया है, ये 2 पिंच हमने हींग डाल दी है और मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम ये बड़े डाल देंगे और इसे ढक करके साइड में रख देंगे। तब तक हम मसाला बना लेते हैं दही बल्ले के लिए। ये पैन में हम जीरा डाल दिया है, ये 2 चम्मच जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची, ये 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक,
एक चम्मच धनिया पाउडर से भून लिया है। और ये बड़े भी देखिए फूल करके तैयार हो गई हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गई हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गई हैं। और ये हमने दही लिया है, दही को हमने फेंट करके इसके अंदर हमने शुगर डाल ली है और मिक्स कर लिया है। मीठी दही हो गई है, ये हरी चटनी, ये लाल इमली की चटनी, ये बॉईल किए हुए आलू को काट करके लिया है, ये मसाले को हमने पीस लिया है, ये अनारदाना लिया है और ये अंगूर लिए हैं। अब हम ये देखिए दही भल्ले की प्लेट तैयार करेंगे। इस तरह से दबा करके पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल करके ऊपर से दही डाल देंगे। ये दही डाल दिया है, ये आलू डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डाल देंगे। लाल चटनी भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ये मसाला छिड़क देंगे इस तरह से। मसाला भी छिड़क दिया है हमने। ये अंगूर डाल देंगे और ऊपर से हम अनार के दाने भी डाल देंगे। ऊपर से हम ये थोड़ा दही और डाल देंगे। ये देखिए दही भल्ला प्लेट बनकर के तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।